स्वागत आपका हमारे में ग्रुप में। भैया आज हम लोग जा रहे हैं घूमने मेरी फैमिली के साथ। हर्षित भैया आज ही संगीता फोटो कर रखा भैया, बारिश पड़ रही है बहुत ही। और आज मैं दिखाऊंगा घूमने लायक हो रहा है। अगर आप लोग भैया ये देखो मतलब फोटो चल रहा है और मौसम देखो कितना बढ़िया हो रहा है। गाड़ियाँ चल रही है और बारिश एकदम बढ़िया पड़ रही है। आपको आगे तक का माहौल दिखाता हूँ मैं। बाहर कौन भी निकालने को मन नहीं कर रहा है। ये देखिए कितना बढ़िया कितना बेहतरीन मौसम है। कौन को भी छुपा के बनानी पड़ती है। इधर का देखिए और इधर का भी देखिए मौसम कौन सा है। और आपको ऊपर का दिखाता हूँ मैं, ऊपर का भी देखिए। और एक नंबर का बना बना है बारिश का। ये भाई ऑटो वाले ऑटो चला रहे हैं। आज का मौसम है भाई घूमने लायक और खाने पीने के लायक होना बढ़िया है ना। मेरे को तो भी बहुत अच्छा लग रहा है ना, लाना बढ़िया जाने में। इसलिए हमने मौसम को देख के आज हमने लगा दिया हम कहीं घूमने के लिए चलते हैं। मैं अपना सुबह मॉर्निंग वॉक के मौसम देख रहा हूँ और तैयार हुए रेडी हुए और भाई ऑटो बुक किया घर से। बहुत लड़क मजा ऑटो में, ऑटो में ज़्यादा मजा आते हैं घूमने फिर खाना अच्छे तरीके से। इसलिए अपना जो है ठीक है आज घूमते हैं और कई आठ घंटे घूमते हैं। तो बाकी मैं आपको आगे के लिए दिखाऊंगा सब कुछ देख रहे पूरे वीडियो को। भैया हम घूम पे आ गए हैं जहांगीरपुर साइड में और हम लोग बैठे टेली के अंदर। ये लो भाई अब हम लोग आ गए हैं गांव में मतलब खेतों में। ये देखो यहाँ पर हमारे ट्यूबवेल वगैरह, मतलब यहाँ का जो मौसम है ना वो इतना बढ़िया लगता है ना देखने में। ट्यूबवेल भी चलती रहे यहाँ पर भाई। यहाँ पर देख खेत चारों तरफ खेत है। ये पीछे खेत देख रहे हो, ये सब मेरे ससुराल वालों का खेत है भाई। तो मैं खेतों की तरफ भी घूमने के लिए आता, सोचा मुझे ठीक है तुम्हारे मैं खेत का नज़ारा दिखाता हूँ। और इसमें मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ, गेहूँ धान वह मतलब गेहूँ है ये है ना धान शायद धान लगे हुए धान दिखाता हूँ कि धान किस हिसाब से लगते किस हिसाब से नहीं। एक मिनट रुको बस। यार ये है धान, देख किस हिसाब से लगते धान ना। ये देखो कितने बढ़िया धान हो रहे हैं इस तरह से लगते पेड़ पर। और भाई साहब जी ये जैसे ही भाई धूप धाप निकलेगी तैसे धीरे धीरे पकते चले जाएंगे ये है ना। इनको तोड़ नहीं सकते लेकिन ठीक है हिसाब ना। पूरे खेत में से धान लगी पड़ी है भाई पूरे। ये पानी जाने का रास्ता भी है ना। और इधर देखो इधर बाजरा भी बुआ पड़ा है, बाजरा बोजरा सब कुछ है। और पल्ली तरफ देख रहे हैं, ये पल्ली तरफ भाई साहब जी गाँव है सारा का सारा। देख रहे ये गाँव है भाई। तो वहीं पर सारे हमारे ससुराल वालों के खेत वेत है और मतलब अच्छा लगता है घूम के ना, बढ़िया लगता है। और भाई देखो ये बना रखी है झोपड़ी, ये खेत में बना रखी है बैठने के लिए। इसमें ना भाई साहब जी चारों तरफ से हवा आती है, मतलब जो लोग गांव में रहते हैं ना उनको तो खैर शायद पता होगा। और ऊपर से लगा रखा देखो ना सारे डंडों से बना रखी है ना। ये देखो डंडे से बना रखी है पूरी है ना, डंडे से बना कर फिर इसके ऊपर से इन्होंने बांध रखा है पल्प ठीक है। और ये पीछे देखो इन्होंने बांध रखा पेड़ में। अरे ज़्यादा रहना भाई पेड़ के साथ में बनाते लोग बाकी ताकि बहन जो टूटे ही ना बिल्कुल भी है ना। ये पल लगा रखा देखो उन्होंने किस हिसाब से लगा रखा पूरा पल ना ऐसा सेट कर रखा ना वैसा। इसके अंदर बारिश का तो कोई मतलब ही नहीं जो बारिश आ जाए है ना। तो यार मतलब दिल्ली से आता हूँ ना तो यहाँ पर खड़ा होकर ना मेरे को अच्छा लगता है। हवा देखो कितनी बढ़िया लग रही है बाढ़, मतलब हवा चेक कितनी भी कम चल रही है लेकिन हवा यहाँ पर खड़े होकर वैसा एकदम मस्त तरीके से लगती है। आप अगर शहर में रहते हो ना भाई साहब जी आपका भी देख मन कर रहा होगा कि यार शायद काश मैं यहाँ पर होता मैं भी इस हवा को लेता महसूस करता। पंखे की हवा ए सी की हवा तो भाई कुछ भी नहीं इसके सामने। ये आदमी बहन जो फूल जाता है इसे हवा मिलते ही।
ठीक है, इसलिए मैं जो घर से उठ गया ना, सीधा सोचा मुझे, चलो पहले खेत में चलता हूँ, खेत का माहौल देख आता हूँ, वहाँ की थोड़ा हवा लेके आऊँगा। और इस झोपड़ी में खड़े हो तो मुझे एकदम मज़ा ही आ गया, बिल्कुल मेरे को चारों तरफ से हवा लग रही है कसम से। देख भाई बाहर से ऐसे लगती है देखने में झोपड़ी ना, कितनी मस्त तरीके से बना रखी है, एकदम बढ़िया तरीके से। भाई झोपड़ी को देखते ना मेरा तो मन खुश हो गया एकदम से। और भाई ये है देखो ट्यूबवेल, जो ट्यूबवेल होती है ना ट्यूबवेल है, और इसके अंदर ना जैसे लाइट वाइट वगैरह सारा सिस्टम है ना उसी के अंदर ही है रूम के ही। ठीक है भाई ये देखे, मतलब ये भी बहुत अच्छी तरीके से बना रखा। और मैं आपको पीछे भी दिखा देता हूँ, देखो पीछे है ना जो खेत है ना, ये इसमें बो रखे आलू, चलो दिखाता हूँ मैं आपको कैसे आलू बोते हैं। देखिए इस खेत में सारे में आलू बो रखे हैं, और देख रहे हो छोटे छोटे से पेड़ चमक रहे हैं आपके, ये आलू के ही निकले रहे हैं। और ये खेत देखो कितना बड़ा लंबा चौड़ा है, दूर तक का है ये, इसमें पूरे भाई साहब जी आलू आलू बो रखे हैं। तो आलू खेती यहाँ बहुत बढ़िया तरीके से होती है धान के साथ साथ में ना, और मतलब पूरा देखो मौसम कितना मस्त हो रहा है यहाँ का खेत का ना भाई साहब जी, मैं कह रहा हूँ अलग ही आनंद आता है एकदम से भाई साहब जी घूम के। भाई ससुराल में आया था घूमने के लिए, बच्चे बोल रहे थे, बेटे भी बोल रही थी कि नानी घर घूमने के लिए जाना है, तो इसीलिए निकल कर आए थे। तो भाई बच्चों को छोड़ दिया है और अब मैं जा रहा हूँ वापस, और बच्चे और वाइफ आएंगे दो दिन के बाद घर पे ना वापस। तो दोस्तों आज लिए मैंने यहाँ पर ना अपने सारी जो भी खेत वेत है, जो भी मतलब जो चीज़ें मेरे को अच्छी लगी दिखाने के लिए मैंने आपको दिखाया। वीडियो कैसे लगी वीडियो को लाइक करना, कमेंट्स करना, शेयर कर देना दोस्तों के पास में, और अच्छे अच्छे वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे। और जो मेरे चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करो जो जाना, तो मिलते नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार।